अभी हम जा रहे हैं ट्रेन के अब अगले इकोनॉमी क्लास में, तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये तो देखिए इतना रश है सुबह सुबह सुबह। आप बताए जी, आप बहुत रश है, मैंने पूछा बहुत रश है। अच्छा जी, इतना रश क्यों है ट्रेन में? मालूम कोई नहीं, अभी तो रश क्यों है ज़्यादा आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ट्रेन का सफर? कोई पुरानी यादें आ रही हैं आपको? याद बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा सफर लग रहा है। और जब भी मैं ट्रेन में सफर करती हूँ ना, मुझे अपनी पुरानी बहुत ज़्यादा यादें आती हैं। जब भी मैं जाऊँ कहीं ट्रेन में, तो मैं बस कुछ भी जाती हूँ सोच सोच के, देख देख के ना, तो मेरी कोई अजीब सा महसूस होता है। ये बताइए, ट्रेन में आज इतना ज्यादा रश क्यों है? आप तो टिकट कलेक्टर हैं, आप बताएं। जी, आजकल ये है कि रश अवामी ट्रेन है, क्योंकि गाड़ी भी कम है, तो इसकी वजह से लोगों ने जाना भी होता है। तो ये फर्स्ट ट्रेन है, तो फर्स्ट ट्रेन से भी रश इसी वजह से ज्यादा होता है। अच्छा, ये बताइए, जो इतना ज्यादा रश है, ओवरलोडेड ट्रेन है, तो लोग देखे ऊपर भी बैठे हुए हैं, तो इन सब के पास टिकटें होती हैं? ये बगैर टिकट सफर करते हैं? हर पैसेंजर टिकट होल्डर होता है और टिकट लेकर बैठते हैं, उनको अवेयरनेस है कि टिकट लेकर बैठेंगे, अदरवाइज हमें पेनल्टी जुर्माने के साथ टिकट लगेगा। जबरदस्त, चलें जी, बहुत खुशी की बात है। टिकट कलेक्टर जो है वो बता रहे हैं कि तमाम टिकट कलेक्टर को ये भी बोले कि ये ना सिर्फ टिकट चेक ना करें, ये टिकटें उनकी उनके भी चेक करें कि जिन्होंने सामान ऊपर रखा हुआ सीटों पे, सीटों क्यों रखे हैं सीटों पे सामान। आपकी क्या तजवीज़ है? क्या मेरी तजवीज़ ये है, जितनी आपकी टिकटें हैं उतनी सीटें लें, मतलब जितनी सीटें हैं उतनी टिकटें, जो पैसेंजर खड़े हैं उनको बैठने दे। अच्छा ठीक है, ये अवामी गाड़ी है, अवाम के लिए है। जिन्होंने टिकट ली है वो खड़े हैं, जिन्होंने दो टिकटें ली हैं वो सारी सीट मार के बैठे हैं, जिन्होंने सामान सीटों पे रखा हुआ है वो भी सारा सामान रख के बैठे हैं। सामान की ये जगह है, सीट नहीं है। आप क्या कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे ट्रेन में? ये जगह है, सर, ये जो कनेक्टर होते हैं, हाँ, इनका काम है कि ये काम करते हैं। हाँ, इनका काम है ये जो पैसेंजर रखे खा रहे हैं गाड़ी में, वो इधर जनाब फिर रहा है तो उधर फिर रहा है, जिस जिसके पास कुछ जगह सीट है थोड़ी बहुत ही, उधर उसको बिठाए, क्योंकि उन्होंने किराया ले होता है, जब किराया देकर आदमी सफर करता है तो उसकी जगह तो मिलनी चाहिए। यहाँ से लेकर अगर दिल्ली तक आदमी खड़ा हो किस तरह जा सकता है? ये देखें जी, ट्रेन में दौरान सफर ये निम्को बिस्किट और ये मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करने वाले हैं। आपका क्या नाम है जी? अज़र शेराज। अज़र साहब, आप कितने अरसे से ट्रेन में ये सामान बेच रहे हैं? हो गए स्टेशन तक 26 साल हो गए। 26 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो कितना का आप रोज कमा लेते हैं? बस 1200 रुपये का। 1200 रुपये आमदन होती है या मुनाफा होता है? 1200 हमारी, 800 हो गया, हवाई रोजी है ना जी? हवाई रोजी है। और मुसाफिर शौक से आपकी चीजें खाते हैं इंशाल्लाह जी। चलें, ये देखें जी, दौरान सफर भी पूरा जनरल स्टोर आपको मिलता है, और लोग बिस्कुट भी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, और चिप्स लेना हो वो भी मिलता है, तो सब कुछ मिलता है। बस लोग शिकायत ये करते हैं कि ओवरलोडेड ट्रेन होती है। आप क्या ऊपर बैठ के कर रहे हैं जी, जरा बताएं? लेज खा रहा हूँ। लेज खा रहे हैं, घर से नाश्ता नहीं किया आपने? नहीं, पिंडी से चलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चले बड़ी चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। मेरा क्या नाम है? नाम नहीं याद, लेकिन मैंने वो कुर्बानी वाली वीडियो देखी हुई है। अमीन हफीज, चलें जी, बड़ी मेहरबानी की, बहुत शुक्रिया। ये आप मुसाफिरों को देख रहे हैं, ये इकॉनमी क्लास है, और इधर लोग आराम से मज़े से सफ़र कर के दौरान सफ़र सो भी जाते हैं, खड़े भी रहते हैं, और जो जिनको निश्चित मिलती है वो बैठे भी रहते हैं। और ट्रेन अब वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ चल रही है, और अमीन हफीज फिर ट्रेन की कोच के दरवाजे में खड़े हैं। और हम आपको ये बताया है कि ट्रेन में कितनी कितनी कोचेज हैं, उनमें मुसाफिर कैसे हैं, रश कैसा है, ये सारे मनाजर हमने आपको दिखाए। और अभी हम आपको ट्रेन के आगे लिए चलते हैं। एक बात यह है कि ट्रेन में जो रश है वो आप ये देखेंगे, दरवाजे में भी कितने लोग खड़े हैं, और अंदर भी कोच के रश ही रश आपने देखा।
ये है हमारी पाकिस्तान रेलवे की रेल कार जो लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जा रही है। ट्रेन के दरवाजे में दरवाजा खोल के यहाँ सफर कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? तो आप क्या कहेंगे? ट्रेन का सफर रोमानियत के साथ मुंसलिक है ना। हाय, इस वजह से एंजॉय कर रहे हैं अपने माहौल को। तो कोई रुक है, कुछ गाना सुनाए, कुछ शेर सुनाएगा? गाने नहीं सुना सकता मैं, मेरी आवाज काबिल नहीं है। शेर सुना दे रुमानवी हवाले से। शेर आपको मैं सुना देता हूँ, जॉन एलिया साहब का। रुमानवी तो नहीं है, खैर तरक्की पसंद शेर है। ये यहाँ तो जासूसियत भी है, दौलत भी की परवाह है, अगर ये लड़की तो बदसूरत। दोबारा सुनाए, वो हॉर्न बज गया था ट्रेन का। ये रानाई जो निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबासे मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती है। वाह वाह वाह, आप कुछ गाना सुनाए जी। भी चले, बहुत मेहरबानी जी, इंजॉय करें लाइफ को, लेकिन दरवाजे में ना बैठे, ये बड़ा खतरनाक होता है। इनका सफर बहुत अच्छा। और यूं हम गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और देखें हमारी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई है। और ये देखें यहाँ पर स्टेशन पे बहुत से मुसाफिर हमें नज़र आ रहे हैं जो ट्रेन में सवार होंगे, और कुछ ऐसे मुसाफिर हैं इस ट्रेन के रेल कार के जो उतरेंगे। यही बात है कि ट्रेन कुछ लोगों को अपना मेहमान बना लेती है और कुछ लोगों को मंजिले मकसूद पे पहुंचा देती है, इसी का नाम ट्रेन है। और ये देखें स्टेशन आ रहा है, और हम स्टेशन की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं। स्टेशन पे ट्रेन रुक गई। ये है हमारा प्यारा पंजाब का शहर गुजरात।